हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैप माय इंडिया शहर के बारे में। अब तक आप लोगों ने गूगल मैप का यूज़ किया होगा। ये ओनली एप्लीकेशन है इंडिया की, इंडियन मेड, जो इन फ्यूचर गूगल मैप को टक्कर देगी। वैसे तो इंडिया ने शुरुआत कर दी है और मैप माय इंडिया ने इंडिया में बहुत सारे क्लाइंट के साथ टाई अप भी कर चुके हैं, जिस कारण से गूगल मैप की डिमांड कम होती जा रही है। उसके साथ साथ मैप माई इंडिया की बात करें तो उसकी क्लियरिटी गूगल मैप से ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने पर्सनली भी यूज़ करके देखा हुआ है, जिस कारण से बता रहा हूँ। मैप माई इंडिया को सी इन्फो सिस्टम के द्वारा भी जाना जाता है। हमारे मार्केट में जो लिस्टिंग हुआ है उसमें सी इन्फोसिस, ये इसकी पेरेंट कंपनी है और उसका अंडर में मैप माई इंडिया आता है। कंपनी के क्लाइंट का नाम बताऊंगा तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। अमेजन एलेक्सा, एप्पल, इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उबर, फेसबुक, मैकडोनाल्ड, मारुति सुजुकी, मतलब ये कार की बात है, महिंद्रा, फिर फोनपे, इसके साथ CBDT, HDFC बैंक, एयरटेल, TVS। तो इतने सारे कस्टमर के साथ उनका जॉइंट वेंचर कह सकते हैं या फिर टाइप कह सकते हैं, ठीक है। चलो, कंपनी के लिए कुछ छोटी छोटी फंडामेंटल डिटेल आपके सामने रखूंगा और उसके बाद कंपनी आने वाले फ्यूचर में कौन से टारगेट तक जा सकती है उसकी बातें करेंगे। स्क्रीन पे आप लोग को नजर आ रहा होगा सीई इन्फो सिस्टम ने, जैसे कि मैंने आपको एडवांस में बता दिया, मैप माई इंडिया को जो लिस्टिंग हुआ है वो सीई इन्फो सिस्टम के द्वारा, या फिर आप सर्च करेंगे तो NSE पे मैप माई इंडिया करके भी आ सकता है। कंपनी के बारे में फंडामेंटल डिटेल मैंने बताई है, उसके अलावा भी थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे कवर करेंगे। कंपनी मैप के अलावा क्या क्या करती है, SaaS सॉफ्टवेयर वो सर्विस, उसके साथ PaaS मतलब उसका फुल होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मतलब ये दोनों सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इंडियन मार्केट में लीडर है, जैसे कि मैंने बताया ये ऑन इंडियन मेड एप्लीकेशन है, तो इसका यूसेज ज़्यादा ही बढ़ेगा। कंपनी का बिजनेस का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, मैप और डेटा प्रोडक्ट से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। उसके अलावा प्लेटफॉर्म एंड IOC से 60% जो आ रहा है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया PAAS और MAAS, ठीक है, उसके द्वारा आ रहा है। लाइन को थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आएगी जिसमें कंपनी के कस्टमर के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा देखिए, कंपनी ने यहाँ पे बताया है रियल व्यू मैप, मैंने आपको पर्सनली पहले ही बताया कि कंपनी का एप्लीकेशन जो है मैप माई इंडिया आप खुद भी पर्सनली यूज़ करके देख सकते हैं, गूगल मैप के कंपेयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कंटिन्यू डे बाय डे वो अपना अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जिसमें पहले बहुत सारी डिटेल मिसिंग थी, अभी ATM, होटल, पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट इलेक्ट्रिक चार्जर, मॉल, सब हॉस्पिटल, ये सब सारे डिटेल उस पर अपडेटेड है। इसके अलावा कंपनी B2B, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर दोनों के अंदर अपना बिजनेस फैला हुआ है, ये बहुत ही अच्छी साइन है। यहाँ पे क्लाइंट का लिस्ट डाला हुआ है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आपको क्लाइंट लिस्ट बता दिए बड़े बड़े। इसके अलावा भी यहाँ पे है जैसे कि हुंडई, फोनपे, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया है। कंपनी का IPO 2 साल पहले ही आया था, IPO का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद काफ़ी अच्छा स्टॉक कंटिन्यू ट्रेड करते हुए जा रहा है। दूसरी बात कवर करेंगे, कंपनी अपने नियरेस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस है 1750 के आसपास और ऑल टाइम प्राइस है 1918 के आसपास, ठीक है। कंपनी के पास डेप्ट ऑलमोस्ट जीरो है, 11 करोड़ का डेप्ट कंपनी कभी भी चुका सकती है क्योंकि उसके पास रिजर्व फंड है 500 करोड़ के आसपास। कंपनी की ROCE और ROE दोनों बेस्ट है और कंपनी छोटी सी आपको डिविडेंड यील्ड भी देती है। कंपनी के क्वार्टर नतीजे की बात करें तो कंपनी की मार्जिन सबसे बेस्ट मानी जाएंगी। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का कंटिन्यू 40% के आसपास है, मतलब कंपनी 100 रुपये का बिजनेस करती है उसमें से 40 रुपये खुद की जेब में डालती है। सिर्फ एक ही बार उनका क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा कम आया था, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी की जो अन्य आय है उसमें थोड़ी सी कमी रही थी, जिस कारण से यहाँ पे आपको कमी नज़र आ रही है, ठीक है। कंपनी का EPS भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। कंपनी के शेयर कैपिटल की बात करेंगे, बहुत ही छोटी शेयर कैपिटल है, सिर्फ 11 करोड़ की ही है। इन फ्यूचर यहाँ से ये कैपिटल ना आपको 50, 80,
तक जाती हुई नजर आएगी। मतलब स्टॉक यहाँ से 10x टाइम ग्रो करेगा ऐसा हमें लग रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग अभी भी शुरुआत में थी उतनी होल्ड करके रखी है। इन फ्यूचर कंपनी यहाँ से 22% अपनी होल्डिंग बढ़ा भी सकती है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है 75% से ज़्यादा कोई अपनी होल्डिंग रख नहीं सकता। तो कंपनी के पास अगर ज़्यादा पैसे आएंगे बिजनेस के साथ साथ तो अपनी होल्डिंग भी बढ़ा सकती है, और इन फ्यूचर फेस वैल्यू 2 की है तो कंपनी बोनस भी दे सकती है। DI का भी इंटरेस्ट 6% के आसपास है जो प्रीवियस क्वार्टर से अभी बढ़ा हुआ है। ठीक है, पब्लिक की बात करें, पब्लिक में फोन पे आप सभी को पता है उसकी खुद की एप्लीकेशन है, उसका 19% स्टेक है। उसके अलावा जिंदिको लिमिटेड ने 5% के आसपास की होल्डिंग रखी हुई है। मतलब इस दोनों का टोटल करेंगे टोटल तो 23 या फिर 23.5 के आसपास होता है। ठीक है, तो इससे टोटल पब्लिक में से इसको माइनस करेंगे तो पब्लिक के पास 11 से लेकर 12% की ही होल्डिंग बची हुई है। चलो टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे बात करेंगे, स्टॉक के लिए आने वाले समय में कौन सी रेंज रहेगी, कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे हम आ गए, शेयर ने आज काफ़ी अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी नज़र आएगा, यहाँ पे देखिए इस लेवल पे यहाँ पे वॉल्यूम आया, उसके बाद यहाँ पे भी वॉल्यूम आया। कंटिन्यू स्टॉक अच्छे खासा एक असेंडिंग ऑर्डर और बुल ब्रेक के साथ आगे से बढ़ता हुआ जा रहा है। चार्ट को छोटा करेंगे तो स्टॉक ने 1100 के आसपास काफ़ी टाइम बिताया था इस लेवल के आसपास। ठीक है, और यहाँ से आप एक W पैटर्न भी इसको मान सकते हैं, या फिर इसके रिमूव करके मैं आपको दूसरी चार्ट पैटर्न भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी मान सकते हैं, क्योंकि 1200 के ऊपर जैसे उसने ब्रेकआउट दिया स्टॉक 1700 के आसपास भी पहुँच चुका है। स्टॉक के लिए ऊपरी रेंज पे रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, उसका ऑल टाइम हाई 1930 के आसपास का। ठीक है, चार्ट को बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 1900 के आसपास का उसका हाई है, जैसे कि हमने पहले कवर किया था उसमें डिटेल्स में था 1918 का हाई था। ठीक है, जैसे इसको निकलेगा स्काई इज लिमिट। ठीक है, मतलब ऊपर कोई लिमिट रहती नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता। तो स्टॉक यहाँ से हमारे अनुमान से कहाँ तक जाएगा, स्टॉक मिनिमम 2300 से लेके 2800 के टारगेट दिखा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हैं, जैसे जैसे कार का सेलिंग हो रहा है, मतलब व्हीकल्स का, और उसके साथ भी इसके टाइप है एयरटेल फोन पे सबके साथ है, तो स्टॉक इन फ्यूचर हमें लगता है 17000 तक जाने की कोशिश करेगा। ये टारगेट उस टाइम पे शायद छोटे हो जाए, कंपनी बोनस दे, प्राइस में आपको एक्शन में लोअर प्राइस नज़र आए, पर आज के टाइम से जो हम वीडियो बना रहे हैं 1750 के आसपास है, यहाँ से 17000 मतलब 10x टाइम यहाँ से रिटर्न दे सकता है। और मैं ये वीडियो कब बना रहा हूँ, जब वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज हम वीडियो बना रहे हैं आप आज ही के आज वीडियो देख के बाइंग कर लीजिए, आपका भी व्यू हमारे साथ सेम होता है, आपको भी लगता है कंपनी में पोटेंशियल है तो आप बाइंग कर सकते हैं। वरना हमारा सुझाव तो यही रहेगा, ऐसी अच्छी खासी कंपनियों को हर डीप में बाइंग करना चाहिए। अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है 1100 के आसपास तब भी बाइंग कीजिए। अगर आपको ऊपरी लेवल से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 30% गिर गया है, पर एक्चुअली में स्टॉक गिरा नहीं है, ये हम लोगों के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कुछ कमी या गलती लगे तो ज़रूर से कमेंट बताइए, हम उसे ज़रूर से इंस्टेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमने एंजल वन और जीरोधा की लिंक डाली है, अगर कोई मार्केट में नहीं आया है और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।